Good morning, students. Let's start our today's lesson with the same chapter number 14, chemical effects of electric current. तो हमारा जो previous lesson था, उसमें हमने पढ़ा about the conductors and good conductors, and we studied that did some activities to prove this that liquids to know about the characteristic of liquid whether it is a good conductor or the poor conductor. So the conclusion is this that all the liquids are not good conductor of electricity. हमने अलग अलग बहुत सारे liquids लिए, alcohol लिया, distilled water लिया, tap water लिया, vinegar लिया या कोई lemon juice लिया और इन सबको बार बार test करके देखा और हमने पाया कि सारे के सारे जो liquids हैं they are no good conductor. Some are good conductor, some are poor conductor. पर कभी कभी ये भी होता है कि जो हमने सर्किट तैयार किया है उसमें जब हमने कोई भी वो लिया लिक्विड लिया या कोई भी ऐसा मटेरियल लिया जो कि हमें पता है कि गुड कंडक्टर है और ये एक्टिविटी करके देखी तब भी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होता है बिकॉज एट दैट टाइम द करंट इज सो वीक दैट द फिलामेंट ऑफ बल्ब डज नॉट हीट टू मच टू एमिट लाइट. उस समय जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है बैटरी में वो इतना वीक होता है कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाता है. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बल्ब वी कैन यूज वन मोर डिवाइस दैट कैन एमिट लाइट इन द व्हेन इट गॉट द वीक करंट और इट कैन डिटेक्ट द वीक करंट ऑल्सो दैट इज कॉल्ड LED लाइट एमिटिंग डायोड. एक छोटा सा बल्ब जैसा ही होता है. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड विच इज कॉल्ड LED. इट हैज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एंड टू आर्म्स. ये छोटी छोटी दो आर्म्स है. वन इज लॉन्गर देन द अनादर. दूसरी एक जो है वो छोटी है दूसरी बड़ी है. तो ये जो बड़ी वाली है इट इज कॉल्ड पॉजिटिव लाइट एंड द स्मॉलर वन इज कॉल्ड नेगेटिव लाइट. तो ये जो छोटी वाली है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. सो व्हेन वी कनेक्ट दम इन द सर्किट दिस पॉजिटिव लाइट विल बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस नेगेटिव लाइट विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वेन एवर द करेंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इट विल ग्लो. LED ग्लो करेगा इवन द करंट इज वेरी वीक. अगर करंट बहुत वीक है तब भी ये ग्लो करेगा एंड यू कैन डिटेक्ट दैट द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और हमें ये पता चल जाएगा कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है. तो जहां पे भी हमें लगे कि करंट बहुत वीक है वहां पे हम बल्ब की जगह LED यूज कर सकते हैं. नाउ कंक्लूजन इज दिस that all liquids are not good conductor of electricity. सारे के सारे जो liquids हैं वो good conductor नहीं है. जैसे कि हमारा alcohol है, oil है, distilled water है या कई other liquids जो कि room temperature पर liquid state में कुछ substances वो poor conductor है. तो ये हम conclusion निकाल देते हैं इस activity से कि सारे के सारे liquids good conductor नहीं होते. सेकेंड चीज ये है कि एयर भी क्या है पुअर कंडक्टर है. इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है. बट व्हेन देयर इज अ थंडरस्टॉर्म देयर इज लाइटिंग व्हेन इट अकर्स हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर व्हेन देयर इज बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है ड्यूरिंग लाइटनिंग. बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है हाई टेम्परेचर होता है एट दैट टाइम द एयर एक्ट्स एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर की तरह काम करने लगती है और हमें लाइटनिंग दिखाई देती है. देन द सॉल्ट्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इन सॉलिड स्टेट. ये तो हमने की लिक्विड्स की एयर की. इसी तरीके से बहुत सारे सब्सटेंसेस जिनको हम सॉल्ट्स कहते हैं जैसे सोडियम आयोडाइड है या हमारा सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट वगैरह है. ये जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. But when they are in the molten form or we can when we make their aqueous solution का मतलब है जब हम उनको water में dissolve कर लेते हैं या हम उनको melt कर लेते हैं.
So these salts are poor conductor of electricity in the solid state, but in their molten form or their aqueous solutions are good conductor of electricity. उनके एक्वस सॉल्यूशन और वे मॉल्टन फॉर्म में वो गुड कंडक्टर होते हैं. क्यों? क्योंकि उस समय देयर आयंस आर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मॉल्टन फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन में उनके आयंस फ्री हो जाते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके. सो इन द मॉल्टन फॉर्म एंड इन द एक्वस सॉल्यूशन दे एक्ट एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देन द डिस्टिल्ड वॉटर. Come to the point on distilled water. In this activity, we found that the distilled water is poor conductor of electricity. The distilled water है वो poor conductor होता है. But there are some substances just like when we dissolve some salt or an acid or an alkali means a base. अगर हम distilled water में कोई salt dissolve कर देते हैं या acid dissolve कर लेते हैं या कोई base जिसको कि हम एल्कलाई कहते हैं वो अगर उसमें डिजोल्व कर देते हैं देन द डिस्टिल्ड वाटर आल्सो बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर है वो भी गुड कंडक्टर बन जाता है क्योंकि ये सॉल्ट या जो एसिड है या जो बेस है वो उसमें आयंस फॉर्म करते हैं विच आर एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और इस तरीके से डिस्टिल्ड वाटर भी क्या करता है गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है. तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी है दैट टू शो दैट वाटर कंटेनिंग एनी सॉल्ट एसिड और अल्कलाई इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो क्वेश्चन से पहले यही आता है कि हाउ कैन वी मेक डिस्टिल्ड वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एडिंग सम सॉल्ट और एसिड और एन अल्कलाई वो डिजोल्व करके. सेकेंड टू प्रूव दिस वी कैन डू दिस एक्टिविटी. इसको प्रूव करने के लिए कि अगर हमने उनको इन सब चीजों को उसमें ऐड किया तो गुड कंडक्टर होगा. देन दिस एक्टिविटी वी विल डिस्कस इन आवर लाइव क्लास. उसके बाद हमारा आ जाता है कि चेक योर नॉलेज विच ऑफ दीज विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर में किसी भी तरीके का कोई सॉल्ट नहीं होता कोई एसिड कोई बेस किसी भी तरीके के आयंस फ्री नहीं होते हैं. सो इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट इन टैप वाटर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन इट. जो हमारा टैप वाटर है वेल वाटर है रेन वाटर है इसमें सॉल्ट डिजोल्व होते हैं जिसकी वजह से गुड कंडक्टर होता है. सो द करेक्ट आंसर इज टैप वाटर. एन इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू सम लिक्विड्स कॉइल. अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही किसी लिक्विड में से तो क्या कहलाएगा गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर. ऑब्वियसली गुड कंडक्टर. अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ. बैटरी क्या होती है बैटरी को हम इस तरीके से शो करते हैं ये इस तरीके से. तो हमें ये पता है कि द सिंबल ऑफ सेल इज दिस. दिस इज अ सेल एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स. ये वन सेल ये टू सेल ये थ्री सेल. ये थ्री सेल का या मोर देन इससे ज्यादा सेल अगर हम कनेक्ट करते हैं देन दे फॉर्म बैटरी. सो व्हाट इज बैटरी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. सो अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. सेल्स कॉम्बिनेशन को ही हम बैटरी कहते हैं. अगर हमें एक सेल शो करना है तो हम इस तरीके से एक बिगर बार और एक स्मॉलर बार से शो करेंगे. और अगर हमें बैटरी शो करनी है तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को ड्रॉ करना पड़ेगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन आवर नेक्स्ट चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.